नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेशन लाइव में। मैं हूं आपके साथ शिवशंकर उपाध्याय। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। दिल्ली सीएम आवास के रेनोवेशन पर करोड़ों खर्च के दावे पर एलजीबी के सक्सेना ने दिए जांच के आदेश, 15 दिनों में मांगी रिपोर्ट। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की याचिका पर अब 2 मई को होगी सुनवाई। इस दिन दोनों पक्ष अपनी अंतिम दलील पेश करेंगे। अतीक और अशरफ हत्याकांड के तीनों आरोपियों को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। 12 मई को मामले की होगी सुनवाई। 29 अप्रैल को गैंगस्टर केस में माफिया मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना। कोर्ट में सुनवाई के दौरान भारी फोर्स तैनात। श्रद्धा मर्डर केस का आरोपी आफताब पूनावाला के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश 9 मई तक हुआ स्थगित। चैट जीपीटी पर निवेशकों ने की पैसों की बरसात। अरबों की वैल्यूएशन पर मिली $300 मिलियन की फंडिंग। 27 से 29 अरब डॉलर वैल्यूएशन पर मिली फंडिंग। दुनिया की सबसे कठिन गोल्डन ग्लोब रेस जीतकर अभिलाष टॉमी ने रचा इतिहास, हासिल किया दूसरा स्थान। बीते दिन मनीष सिसोदिया की रिहाई को लेकर आप कार्यकर्ताओं ने कोर्ट के बाहर किया प्रदर्शन। सीबीआई का आरोप, मनीष सिसोदिया ने शराब घोटाले में आपराधिक साजिश रची, सबूतों को मिटाने की कोशिश। आज होने वाला आईपीएल का पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स बनाम पंजाब किंग्स के बीच होने वाला है, वहीं दूसरा मुंबई इंडियंस बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच होगा। पुरस्कार रिलीज हुआ नया पोस्टर, देवी सीता के अवतार में नजर आई कृति सेनन। मोशन पोस्टर देखे गदगद हुए फैंस। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे नेशन लाइव के साथ। धन्यवाद।